प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद है सारे बच्चे ठीक से होंगे। आज हम क्लास 4 का इंग्लिश का जो हमने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था उसको लास्ट करेंगे, उसका आगे का लेक्चर पढ़ेंगे। जो हमने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था उसका नाम था लिटिल टाइगर बिग टाइगर। सब बच्चों को याद है ना हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था? तो चलें उसके आगे का पार्ट पढ़ने के लिए आप लोग निकाल लीजिए पेज नंबर 26 अपनी बुक का। पेज नंबर 26 सारे बच्चे निकाल लें। अब हम आगे का लिटिल टाइगर बिग टाइगर वाले चैप्टर का आगे का पढ़ेंगे, ठीक है? पेज नंबर 26 पे यहाँ देखेंगे आप लोग, अगर अपने बुक्स ओपन कर देंगे तो पेज नंबर 26 पे यहाँ देखेंगे, यहाँ तक हमने जो है पढ़ लिया था, ठीक है? इसके बाद हम आगे से पढ़ेंगे। इससे पहले कि आगे से पढ़ें, मैं आप लोगों को पहले शुरू का बता देती हूँ ताकि शुरू वाला और एंड वाला दोनों जो है एक साथ मिल जाए, ठीक है? तो नाम लिख लेते हैं। सबसे पहले चैप्टर का क्या नाम है? लिटिल टाइगर बिग टाइगर। जी, लिटिल टाइगर बिग टाइगर में क्या था? एक जो है मदर टाइगर थी और उसका जो है टाइगर कब था। टाइगर कब किसको कह रहे थे हम? टाइगर के बेबी को, ठीक है? एक मदर टाइगर और एक टाइगर कब कहाँ रहते थे? रिवर के करीब ही रहते थे और वहाँ का जंगल कैसे था? बिल्कुल शेडी जंगल था, सायादार जंगल था, ठीक है? जब आसमान जो है बिल्कुल डार्क हो जाता था तो मदर टाइगर क्या करती थी? शिकार पर निकलती थी, डेयर और पिक के शिकार पर, ठीक है? और जो टाइगर कब है वो उनके हमेशा करीब ही रहता था। और क्या होता था, एक जो मंकी था, लंगूर मंकी, वो क्या करता था? हमेशा बहुत तेज़ आवाज़ में चिल्लाकर जो है सारे डेयर्स को वहाँ से भगा देता था, ठीक है? और क्या होता था, फिर कभी कभी जो है उनसे जो है मदर टाइगर से शिकार दूर भी चला जाता था। तो फिर वो क्या खाती थी? फिर जो है अंडे देने वाले जो जानवर होते हैं, परिंदे वगैरह होते हैं, उनको खा के वो अपना गुजारा किया करती थी, या कभी फ्रॉग खा लिया करती थी, मेंढक वगैरह, ठीक है? और वो कभी कभी या तो रिवर की तरफ भी जाया करती थी, दरिया की तरफ भी, और फिश वगैरह खाने के लिए। लेकिन जो है वो हमेशा हर रात जो है शिकार नहीं करती थी, ठीक है? अगर मून जो है बहुत ज़्यादा ब्राइट हो रहा होता था, चांद जो है बिल्कुल तेज़ चमक रहा होता था, तो वो नीचे की तरफ एक जगह बैठ जाती थी और इंतज़ार करती थी अंधेरा होने का, ठीक है? और जब तक वो बैठी हुई होती थी तो अपनी पूँछ को जब हिला रही होती थी इंतज़ार में बैठी हुई, तो उनका जो बेबी था वो क्या करता था, वो जैसे जिस तरह से शिकार को पकड़ते हैं उसकी प्रैक्टिस करने के लिए अपनी मदर की जो है दुम को पकड़ने की कोशिश करता था बार बार, ठीक है? आगे जो है, आगे लिखा हुआ है, अगर जो बेबी टाइगर है वो कभी कहीं दूर चला जाता था, फिर क्या करती थी? उसकी मदर उसको हल्की सी आवाज़ में ही वापस बुला लिया करती थी। लेकिन वो हमेशा अपनी मदर के करीब रहना नहीं चाहता था वो टाइगर कब, वो चाहता था कि वो इधर उधर खुद से आज़ादी से घूमे। लेकिन वो तो अभी बहुत ही छोटा था टाइगर कब, है ना? तो मदर टाइगर तो उनको ऐसे आसानी से नहीं छोड़ सकती थी बच्चों। फिर क्या हुआ, एक रात जो है मदर टाइगर बहुत थक गई थी, वो एक दिन सो गई, ठीक है? एक रात वो सो गई और वो टाइगर जो है बेबी टाइगर यानी टाइगर कब वो है जाग रहा था वो, और उसने क्या देखा, उसने एक फ्रॉग देखा जो आस पास से होप करता हुआ जा रहा था, ठीक है? फुदकता हुआ जा रहा था। तो उसने क्या किया, उसका पीछा करना शुरू कर दिया और उसको पकड़ने की कोशिश करने लगा। फिर क्या हुआ, वो आगे फ्रॉग जो है दूर दूर भागने लगा और फिर वो टाइगर कब भी उसका पीछा करने लग गया था। आगे क्या हुआ, तो उसके बाद जो है जब उसने जो है उसको पकड़ लिया, टाइगर कब ने जब फ्रॉग को पकड़ लिया, पकड़ने के बाद उसने जब पीछे मुड़ के देखा तो उसने ये महसूस किया कि वो तो अपनी मदर टाइगर से बहुत ज़्यादा दूर आ चुका है और वो तो नज़र भी नहीं आ रही थी। और उनको देखने के बजाय उसने किसको देख लिया था, एक बहुत ही बड़े टाइगर को देख लिया था जो उसकी मदर से भी बहुत ही बड़ा था और वो उसके करीब ही आ रहा था, ठीक है? चलें अब आगे बढ़ते हैं यहाँ से इस पैराग्राफ से, ठीक है? द टाइगर्स ग्रीन आइज़, ठीक है? द टाइगर्स ग्रीन आइज़ ग्लिस्टेंट एज ही वॉच्ड द टाइगर कब। टाइगर की जो ग्रीन आइज़ थी, ठीक है, उस बड़े वाले टाइगर की, जिसने जो है टाइगर कब को देख लिया था, टाइगर के बेबी को देख लिया था, उसकी जो ग्रीन आइज़ थी वो चमकने लगी, ठीक है? ग्लिस्टन का मतलब होता है चमकना, उसकी ग्रीन आइज़ जो है चमकने लगी जब उसने टाइगर कब को यानी कि टाइगर के बेबी को देखा। द टाइगर कब वाज फ्राइटेंड, फ्राइटेंड का मतलब होता है डरना, खौफ आना, खौफ लगना किसी चीज़ से, ठीक है? तो टाइगर कब जो है वो डरने लगा उस बड़े वाले टाइगर से, फ्राइटेंड।
फ्राइटेंड का मतलब होता है डरना या खौफ आना, ठीक है। और ग्लिसेंट का मतलब होता है ग्लिसेंट आइज़ कह रहे थे ना, यानी उसकी चमकती हुई आइज़, ठीक है। तो टाइगर कब जो है उसे डरने लगा था, ही कुड नॉट हाइड और रन, वो उससे जो है डर उससे जो है वो डर के कहीं भाग भी नहीं सकता था और वो कहीं छुप भी नहीं सकता था क्योंकि वो जंगल के बिल्कुल बीचों बीच था। ही लेट द फ्रॉग हॉप अवे, उसने जो है फ्रॉग को अपनी मुट्ठी में से, जिसमें अपने हाथों में जो है उसने जो है आगे के अपने दो पंजों से उसने जिस फ्रॉग को पकड़ा था उसने फ्रॉग को जाने दे दिया क्योंकि डर उसको बहुत लग रहा था, डर के मारे उसने फ्रॉग को छोड़ दिया, ठीक है। द टाइगर क्रीप्ड अप क्लोजर टू द लिटिल टाइगर कब, जो टाइगर था वो रेंगता हुआ आहिस्ता आहिस्ता जो है किसके करीब आ रहा था, टाइगर कब यानी टाइगर के बेबी के करीब आ रहा था, ठीक है। बट अ रोर फिल्ड द जंगल, लेकिन एक दहाड़ की आवाज़ आई, बहुत तेज़ चीख की आवाज़ आई जिसने पूरे जंगल को शोर से भर दिया, ठीक है। द रोर ऑफ द मदर टाइगर, अरे ये रोर तो मदर टाइगर की थी, यानी कि टाइगर कब की मदर की थी, ठीक है। She faced the other tiger, उसने जो है दूसरे वाले टाइगर का मुकाबला किया। And he went away, और वो उनसे डर के भाग गया, मदर टाइगर से डर के भाग गया वो बड़ा वाला शेर, ठीक है। मदर टाइगर लाइक टू रोर, मदर टाइगर को जो है बहुत पसंद था धारना और आवाज़ निकालना। अलाउड अ बिग टाइगर रोर टू टेल ऑल द अदर एनिमल्स इन द जंगल दैट शी वाज देयर, उनको जो है बहुत तेज़ धारना बहुत पसंद था और बहुत तेज़ जो है आवाज़ निकालना बहुत पसंद था ताकि वो और बाकी के जंगल जंगल में जितने भी जानवर हैं बाकी के उन सारे जानवरों को ये बता सके कि वो यहाँ पर हैं, ठीक है। ऑल द अदर एनिमल्स इन, अब आ जाते हैं पेज नंबर 27 पे, ठीक है। ऑल द अदर एनिमल्स इन द जंगल कीप्ड फार फार अवे, सारे एनिमल्स सारे जो जानवर थे उस जंगल के वो सब दूर दूर रहते थे मदर टाइगर से क्योंकि वो बहुत तेज़ धाड़ती थी और सब उनको जो है बहुत ख़तरनाक समझते थे, तो इसी वजह से सारे जानवर जो है उनसे बहुत दूर दूर रहते थे, ठीक है। द टाइगर कब ऑल्सो लाइक टू रोल, टाइगर कब यानी कि उनका टाइगर का जो बेबी था वो छोटा सा था वो भी उसको भी बहुत पसंद था दहाड़ना। अलाउड टाइगर कब रोर, वो भी बहुत तेज़ दहाड़ने की कोशिश करता था। टू टेल ऑल द एनिमल्स, टू टेल ऑल द अदर एनिमल्स इन द जंगल दैट ही वाज देयर, ताकि वो उन सारे जंगल में जितने भी जानवर हैं वो सबको बता सके कि वो छोटा टाइगर कब भी यहाँ हैं। बट लेकिन ऑल द अदर एनिमल्स इन द जंगल वर नॉट अफ्रेड एट ऑल, लेकिन उससे तो बिल्कुल भी नहीं डरते थे वो टाइगर कब से, यानी टाइगर के छोटे वाले बेबी से सारे जानवर बिल्कुल भी नहीं डरते थे। एंड नॉन ऑफ देम रन अवे, और कोई भी उससे डर के नहीं भागता था, जबकि मदर टाइगर से जो है सारे जानवर डर के भाग जाते थे लेकिन टाइगर कब से कोई भी डर के नहीं भागता था क्योंकि वो बहुत ही छोटा था और उसकी आवाज़ भी कैसी थी, बिल्कुल हल्की आवाज़ थी, उसके जो रोर की आवाज़ थी यानी दहाड़ने की आवाज़ भी थी वो भी बहुत हल्की थी, इस वजह से कोई भी उससे डर के नहीं भागता था, ठीक है। बट देयर कम अ एयर वैन अ स्मॉल टाइगर कब वास फुल ग्रोन टाइगर, लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरता गया तो क्या हुआ, जो छोटा टाइगर कब था वो पूरी तरह से बढ़ गया, ठीक है। ही वॉक फॉर मील्स अलोन, वो चला जाता था बहुत दूर दूर चला जाता था, मीलो जो है दूर अकेला चला जाता था। हंटिंग फॉर गेम एट नाइट, और शिकार भी करता था रात के वक्त। वैन ही रोड टू टेल ऑल द एनिमल्स इन द जंगल दैट ही वॉज देयर, और जब वो टाइगर बड़ा हो गया, वो जो टाइगर कब था जो छोटा सा था वो अब बड़ा हो चुका था और वो जो है अब मीलों दूर अकेले चला जाता था और अकेले जो है रात के वक्त शिकार भी किया करता था, और जब वो रोर यानी दहाड़ता था और बाकी सारे जानवरों को बताने के लिए, बाकी सारे जानवर जंगल पे तो उनको बताने के लिए वो दहाड़ता था। ऑल द अदर एनिमल्स इन द जंगल कीप फार फार अवे, तो बाकी सारे जानवर जो है जंगल के सब उनसे दूर दूर रहते थे। And the great big tiger that had been a small tiger cub, और वो जो है बहुत ही बड़ा एक अच्छा बड़ा टाइगर बन गया था, जो कैसे बना था वो एक छोटे से टाइगर कब से। हेयरिंग हिज ओन लाउड रोर, और अपनी ही वो तेज़ आवाज़ सुनते हुए स्माइल टू हिमसेल्फ अ ग्रेट बिग टाइगर स्माइल, ठीक है। और अब जब वो बड़ा हो चुका था, छोटे टाइगर कब से बहुत ही बड़ा हो चुका था, तो वो अपनी बहुत ही तेज़ आवाज़ को धाड़ने की आवाज़ को सुन के खुद ही खुद मुस्कुराता था और कहता था कि मैं कितना बड़ा बिग टाइगर हो चुका हूँ, ठीक है। अपनी स्माइल पर वो खुद ही टाइगर वो जो है वो मुस्कुराता था, ठीक है। समझ में आ गई आप लोगों को स्मॉल टाइगर और बिग टाइगर की कहानी। चलें अब इसमें न्यू वर्ड्स आए हुए, नीचे न्यू वर्ड्स को देख लेते हैं। न्यू वर्ड्स में पहला वर्ड है हमारे पास शेडी। शेडी किसको कहते हैं, सायादार को, ठीक है। ऐसी जगह जहाँ पर किसी चीज़ से जो है साया हुआ हो, यहाँ पर शेडी का लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल हुआ था, सायादार जंगल के लिए इस्तेमाल हुआ था, शेडी जंगल, ठीक है। आगे है, यहाँ पर आगे लिखा हुआ है
बेलोड, यहाँ देखें बेलोड लिखा हुआ है। बेलोड का मतलब होता है बहुत तेज़ चीलना, बहुत तेज़ चीखना या चिल्लाना, ठीक है। तो यहाँ पर जो है सांभर डेयर बेलोड, यानी सांभर डेयर ने जो है बहुत तेज़ चिल्लाई थी वो, जब उसने जो है सारे डेयर्स को यानी सारे हिरणों को ये बताया था कि टाइगर हंटिंग के लिए आ रही है, ठीक है। आगे देखते हैं दूसरा, तीसरा वर्ड क्या है यहाँ पर, ट्विस्ट। ट्विस्ट का मतलब होता है अपनी दुम की जो नोक है उसको हिलाना या फड़फड़ाना। यहाँ देखें वो जो है शी ट्विच द टिप ऑफ हर टेल, यानी कि वो जो है अपनी दुम को हिलाती थी, अपनी दुम की नोक को हिलाती थी या फड़काती थी, इसके लिए इस्तेमाल हुआ था यहाँ पे ट्विस्ट का मतलब, ठीक है। आगे पढ़ते हैं पाउंस्ड। पाउंस्ड का मतलब होता है झट से पकड़ लेना। तो टाइगर कब क्या करता था, टाइगर का बेबी क्या करता था इस वाले पिक्चर में, वो जो है उसकी दुम को जो है पाउंस्ड करता था, ठीक है, यानी झट से पकड़ लेता था। आगे लिखा हुआ है ग्रंट। ग्रंट का मतलब होता है हल्की सी आवाज़ में बुलाना, ठीक है। तो यहाँ पर इसका मतलब किस लिए इस्तेमाल हुआ है इस स्टोरी में, जो टाइगर अगर कभी कभी दूर भी निकल जाता था तो टाइगर की मदर कैसे बुलाती थी, दे कॉल्ड हिम विद अ लो क्वाइट ग्रंट, वो उसको बहुत ही हल्की सी आवाज़ से उसको अपने पास बुला लिया करती थी, ठीक है। तो समझ में आ गई सबको ये स्टोरी, स्मॉल टाइगर और बिग टाइगर की। अब हमारे पास रीडिंग इस वन में हमने ये वाले सवाल कर लिए थे, ठीक है, टिक द राइट आंसर। इसके बाद नीचे है दूसरा सवाल, व्हाट हैपेंड टू द लिटिल टाइगर, लिटिल टाइगर के साथ क्या हुआ था, लिटिल टाइगर कब के साथ यानी टाइगर के बेबी के साथ क्या हुआ था, व्हेन ही चेज द फ्रॉग, जब उसने फ्रॉग को पकड़ने की कोशिश की थी। तो इसका आंसर लिखेंगे हम लोग, ठीक है। अपनी अपनी पेंसिल और कॉपी सब बच्चे निकाल लें जी, ठीक है। तो पहला सवाल लिखेंगे, अब इसका क्वेश्चन नंबर टू लिखेंगे, ठीक है, पेंसिल निकाल लें, कॉपी सबने निकाल ही ली है। तो फिर अब क्वेश्चन नंबर टू लिखते हैं यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर टू है हमारे पास, व्हाट हैपेंड टू द लिटिल टाइगर कब when he chased the frog. What happened to the little tiger cub when he chased the frog? उस little tiger cub के साथ यानी tiger के baby के साथ क्या हुआ था जब उसने frog को पकड़ने की कोशिश की थी? तो इसका answer page number 26 पे मिल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले answer में लिखेंगे, when he chased the frog, जब उसने फ्रॉग का पीछा किया था तो क्या हुआ था, व्हेन ही चेज द फ्रॉग ही कॉट इट, उसने जो है उसको पकड़ लिया। आगे क्या हुआ था, एंड ही टर्न्ड टू शो His mother. When he chased the frog, जब उसने frog का पीछा किया था, he caught it, उसने उसको पकड़ लिया, and he turned to show his mother, और उसके बाद वो पीछे मुड़ा था अपनी mother को दिखाने के लिए, but she was not inside. ठीक है, लेकिन वो उनको नहीं दिखी थी। आगे क्या हुआ था, वो उनको जब नहीं दिखी थी तो उन्होंने किसको देख, उसने किसको देखा था, इंस्टीड ही सॉ अ बिग टाइगर, उसने उसके बदले किसको देखा था, एक बहुत ही बड़े टाइगर को, ठीक है, नियर हिम, जो कि इसके करीब ही था। चलें इस सवाल को दोबारा पढ़ते हैं,
वैन ही चेज द फ्रॉग, जब उसने फ्रॉग का पीछा किया ही कॉट इट, उसने उसको पकड़ लिया एंड टर्न टू शो हिज मदर, और क्या किया पीछे जो है मुड़कर अपनी मदर को दिखाने के लिए जो है वो पलटा था, तो क्या हुआ था, बट शी वॉज नॉट इन साइड, लेकिन उनकी मदर उसको अब नहीं दिख रही थी, इंस्टीड ही सॉ, बल्कि उसके बजाय उसने क्या देखा, अब एक टाइगर नियर हिम, एक बहुत ही बड़ा टाइगर देखा जो कि उसके करीब आ रहा था। ठीक है, अब ये वाला सवाल हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, इसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर ये वाला वर्ड बिल्डिंग वाले सवाल आप पे, ठीक है, जो कि हमारे पास 28 पे, पेज नंबर 28 पे वर्ड बिल्डिंग के जो है यहाँ पे हमारे पास काम है वो देख लेते हैं। मैच द एनिमल्स विद देयर यंग वंस, एनिमल्स को जो है उनके यंग वंस के साथ हमें मिलाना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है हॉर्स, तो हॉर्स का जो है बेबी या फिर उनका यंग वंस कौन होता है, तो हॉर्स का जो है बेबी होता है कॉल्ट। ठीक है, हॉर्स को आप मिलाएंगे कॉल्ट के साथ। उसके बाद लिखा हुआ है डॉग, डॉग का बेबी कौन होता है पपी। ठीक है, तो डॉग को आप लोग किसके साथ मिलाएंगे, पपी के साथ मिलाएंगे। इसके बाद लिखा हुआ है कैट यानी बिल्ली, तो बिल्ली के जो है वो यंग वंस कौन होता है किटन। ठीक है, कैट को आप लोग किटन के साथ मिलाएंगे। उसके बाद लिखा हुआ है काव, और काव का जो है वो बेबी कौन होता है काव, सी ए एल एफ काफ, यहाँ पे काफ लिखा हुआ है, काव को आप लोग काफ के साथ मिलाएंगे। ठीक है, ये वाला फिल करने के बाद इस पर आ जाएंगे, नीचे लिखा हुआ है पिग, तो पिग का बेबी कौन होता है पिगलेट। ठीक है, पिग को आप लोग पिगलेट के साथ मिलाएंगे। इसके बाद इसके सारा साथ ही लिखा हुआ है इसके नीचे टाइगर, तो टाइगर का बेबी कौन होता है कब होता है, यानी टाइगर का बेबी यानी टाइगर का बच्चा। ठीक है, तो टाइगर को आप लोग कब के साथ मिलाएंगे। आगे लिखा हुआ है शीप, शीप का जो है वो बेबी होता है लैम्ब, यानी शीप का जो बच्चा होता है वो कौन होता है लैम्ब होता है, तो आप लोग शीप को लैम्ब के साथ मिलाएंगे। उसके बाद गॉट को किट के साथ और डक को डकलिंग के साथ। ठीक है, तो ये वर्ड बिल्डिंग में आप लोगों को मैच का काम जो है वो समझ में आ गया होगा कि किस वर्ड को किसके साथ मिलाना है। आगे आ जाते हैं पेज नंबर 29 पे, पेज नंबर 29 पे हमारे पास वर्ड गेम है। ठीक है, और लिखा हुआ है कैन यू प्लेस दिस लेटर्स इन देयर राइट ऑर्डर, क्या आप इन जो लेटर्स को जो है लिख सकते हैं राइट ऑर्डर में टू फॉर्म द नेम ऑफ एनिमल्स, ताकि इनसे जो है एनिमल्स के नेम बन सके। तो चलें देखते हैं क्या क्या एनिमल्स के नेम बन रहे हैं यहाँ पर। अच्छा, तो यहाँ पर एक एग्जांपल दी हुई है जिसमें लिखा हुआ है ए टी और सी, इससे आपको एक एनिमल का नेम बनाना है। ठीक है, तो इससे क्या किस एनिमल का नेम बन सकता है, अगर हम इसको मिलाएं तो देखें सी ए टी, इससे क्या बन सकता है, किस एनिमल का नेम बन सकता है, इसको अरेंज करने से कैट का नेम बन सकता है। ठीक है, इसके बाद इसके नीचे लिखा हुआ है कुछ वर्ड लिखे हुए, ये तो एग्जाम्पल थी जिसको मैंने आपको बता दिया। आगे यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है एस ई एम ओ यू, अब इससे जो है हम किस एनिमल का नेम बना सकते हैं, तो इससे आप किस एनिमल का नेम बना सकते हैं, तो यहाँ देखेंगे कि इस एनिमल का नेम बन सकता है अगर मिलाएं हम एम ओ यू एस ई माउस, इससे किस एनिमल का नेम बन रहा है, माउस का नेम बन रहा है। ठीक है, आगे आ जाते हैं, इसके नीचे क्या लिखा हुआ है, ये देखें आर ई एस ओ एच, इससे किस एनिमल का नेम बन सकता है, क्या कोई बता सकता है, अगर हम इसको जोड़ेंगे एच ओ आर एस ई हॉर्स। इसी तरह से और एनिमल्स के नेम भी इस जो है नीचे की लाइंस में बन रहे हैं। इसके अंदर एक नेम बनेगा लॉइन, ठीक है, आगे बनेगा डेयर, और बनेगा शीप। अब आप लोगों ने खुद ढूंढना है कि किस में कौन सा एनिमल के नाम बन रहे हैं। यहाँ पे मैंने सारे एनिमल के नाम आगे पीछे करके आप लोगों को बता दिए हैं कि किस किस एनिमल के नाम बनेंगे यहाँ पे। ठीक है, और आप लोगों ने जो है खुद ही से सोचना है अब इसमें कौन कौन से एनिमल के नाम बनेंगे। इसके बाद बनेगा यहाँ पे टाइगर, और बनेगा बुल, इसके अलावा लॉइन, अच्छा लॉइन हो गया, एक बचा है हमारे पास लास्ट फॉल। ठीक है, और ये सारे जानवर के नाम तो आपने सुने हुए हैं, फॉल हम कहते हैं अंडे देने वाले परिंदों को। ठीक है, तो ये सारे नाम जो हैं इस वर्ड बिल्डिंग के अंदर बनेंगे जो कि आप लोगों ने बनाने हैं। ठीक है, आगे लिखा हुआ है द एनिमल बर्ड्स इन अ कॉलम ए हैव टू रीच देयर होम, इन एनिमल्स या बर्ड्स जिनके भी यहाँ पर नाम लिखे हुए हैं उनको कॉलम बी में मिलाने हैं। कॉलम बी में जो है क्या लिखे हुए हैं, उनके होम के नाम लिखे हुए हैं। ठीक है, फाइंड आउट वेयर देयर लीव, और आप जो है पता लगाएं कि वो लोग कहाँ रहते हैं। ठीक है, जैसे कि आप बी, यानी कि बी कहते हैं शहद की मक्खी को, शहद की मक्खी किस जगह रहती है,
तो कॉलम बी पे अगर आके देखेंगे तो बहुत सारे यहाँ नाम लिखे हुए हैं, ठीक है। उनसे आपको मैच करना है, तो पेंसिल और स्केल निकालेंगे और आप लोग क्या करेंगे, आप बी को मैच करेंगे हाइव से। बी जो है कहाँ रहती है, शहद की मक्खी के छत्ते में रहती है। ये देखें हाइव बना हुआ है, सही है, हाइव के साथ ही क्या बना हुआ है, एक छत्ता बना हुआ है। तो आ बी को आप लोग किससे मैच करेंगे, हाइव से, ठीक है। आ बी लिव्स इन अ हाइव, एक शहद की मक्खी जो है वो अपने छत्ते में रहती है, ठीक है। आगे लिखा हुआ है एन आंट, यानी कि एक चूंटी। आंट कहाँ रहती है, आंट हिल पे। ये देखें आंट हिल यहाँ बना हुआ है, ठीक है। आंट को आप किससे मिला लेंगे, आंट इनसे मिला लेंगे। आगे लिखा हुआ है आ डक, डक कहाँ रहती है, तो डक जो है वो तालाब में रहती है, ठीक है। तो डक को आप लोग किससे मिला लेंगे, पॉन्ड से मिला लेंगे। और आ टाइगर जो है वो सही मिला हुआ है यहाँ पर, जो पहले हमें प्रैक्टिस के लिए बताया गया था। आ टाइगर लिव्स इन अ डेन, टाइगर जो है डेन के साथ सही मिला हुआ है। आगे लिखा हुआ है आ रैबिट, रैबिट कहाँ रहता है, सबसे तो कॉलम बी में सबसे फर्स्ट नंबर पे देखेंगे, बी ओ डबल आर ओ डब्ल्यू, बोरो। रैबिट जो है बोरो पे रहता है, तो यानी कि खरगोश के रहने की जगह होती है ये, एक होल सी जगह होती है, इस जगह पे रैबिट रहता है, ठीक है, जहाँ पर होल होती है। तो रैबिट को आप लोग बोरो से मिलाएंगे। आगे लिखा हुआ है नीचे स्पाइडर, स्पाइडर कहते हैं मकड़ी को। स्पाइडर जो है वो कहाँ रहता है, वेब में रहता है अपने, वेब कहते हैं मकड़ी के जाले को, ठीक है। तो स्पाइडर कहाँ रहता है, मकड़ी के जालों में, ठीक है। तो स्पाइडर को मिलाएंगे आप लोग वेब के साथ। और सबसे लास्ट में बचा हुआ है स्पैरो, स्पैरो यानी चिड़िया। चिड़िया कहाँ रहती है, नेस्ट में, अपने घोंसले में। तो स्पैरो को आप किससे मिलाएंगे, नेस्ट के साथ मिला देंगे, ठीक है। अब आपने जो है लेट्स राइट में 6 सेंटेंसेस लिखने हैं इन्हीं अबव पिक्चर से, इससे ही रिलेटेड था, इसीलिए मैंने आप लोग को अभी ही बता दिया। लिखा हुआ है नाउ राइट 6 सेंटेंसेस। अब आपको 6 सेंटेंसेस लिखने हैं फ्रॉम द अबव पिक्चर, इस पिक्चर से मुतालिक। वन हैज़ बीन डन फॉर यू, इसमें से एक आपको बता दिया गया। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है आर टाइगर लिव्स इन अ डेन, टाइगर कहाँ रहता है, डैन में रहता है, ठीक है। यानी ऐसी जगह होती है जहाँ पे शेर और चीते रहते हैं, इस जगह को डैन बोलते हैं। आगे आप लोग क्या बना सकते हैं, 6 सेंटेंसेस इस तरह से। जी बिल्कुल, आप लोग लिखेंगे आ बी लिव्ड इन अ हाइव, एक बी जो है वो कहाँ रहती है, शहद की मक्खी के छत्ते पे रहती है। उसके बाद आगे लिख सकते हैं एन आंट लिव्ड इन आंट हिल, ठीक है। इस तरह से आप लोगों ने सारे जुमलों में जो है क्या लगाना है, लिव्स इन आ ऐड करते हुए इनके जो है नाम में 6 सेंटेंसेस बना लेने। तो बना लेंगे सारे बच्चे, उम्मीद है सबको सारा काम समझ में आ गया है। बहुत आसान काम है, कोई मुश्किल काम नहीं है। इसके बाद आप लोगों ने होमवर्क में क्या करना है, होमवर्क में आप लोगों को मैंने ये जो चैप्टर अभी पढ़ाया है उसको आगे का उसके मजीद चैप्टर को जो है रीड करके आएंगे आप लोग, ठीक है। रीड द चैप्टर, ठीक है, आप लोग इस चैप्टर को रीड करके आएंगे, बहुत ही अच्छे से इसको एक मरतबा पढ़ लेंगे। और इसके अलावा जो काम मैंने आप लोग को बताया वो भी सब बच्चे उम्मीदें कर लेंगे, ठीक है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।